क्या होगा? कुछ पता चला? क्या क्या करना है? हमें थोड़ी देर और बैठना पड़ेगा, पुलिस आ रही है, हमारा बयान लेगी। तुमने तुम्हें दूर के घर वालों को कॉल की, उनको बताया? उनसे ना बहुत मुश्किल से कांटेक्ट हुआ मेरा। तुम पता है, वो यहाँ आने को तैयार ही नहीं है। वो तो मुझसे बात करने को भी तैयार नहीं थे। वो तो बड़ी मुश्किल से उसकी बहन से बात हुई मेरी। वाहनी, तुम्हें उन्हें बताना था ना कि दुआ नहीं रहेगी इस दुनिया में। तुम्हें क्या लगता है रमशा, मैंने उन्हें बताया नहीं होगा? सबसे पहले खबर मैंने उन्हें यही दी। तुम पता उनके पेरेंट्स ने मुझे क्या कहा? कि दुआ हमारे लिए बहुत पहले ही मर चुकी है, उसके साथ जो कुछ भी हुआ उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। डेड बॉडी हैंड ओवर करनी है, आप इनके घर वालों को बुला लें। सॉरी मैम, वो एक्चुअली डेड बॉडी रिसीव करने को कोई तैयार नहीं है। डेड बॉडी इस कंडीशन में नहीं है कि इसे मजीद यहाँ रखा जा सके। वैसे भी ये केस हमारे लिए नया नहीं है, और देखा जाए तो इसमें इनके वालदैन का भी कोई कसूर नहीं है। जिंदगी में ये लोग अपने वालदैन के साथ और उनकी पाबंदियों के साथ रहना पसंद नहीं करते। फिर मरने के बाद इनके वालदैन भी उन्हें कबूल नहीं करते। ठीक है, ऐसी लावारिस लाशों को हम इदारों के हवाले कर देते हैं। इसके लिए कुछ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और एक फॉर्म फिल करना होगा। आप में से कोई एक मेरे साथ आ जाए, आप लोगों के दस्तखत चाहिए होंगे। आप चले, मैं आती हूँ। ठीक है। पागल हो गई, ये डेड बॉडी का चक्कर है, पुलिस के चक्कर में फंस गए ना, एक साइन करेंगे और फिर जेल के चक्कर काटते रहेंगे। देखो, किसी को भी नहीं पता कि दुआ हमारे साथ थी। हम चुपके से यहाँ से भाग जाते, किसी को कुछ भी नहीं पता चलेगा। हानिया हानिया, फजूल में हम फंस जाएंगे यार। अब जो होना था वो हो गया, ठीक है? सो हम निकलते हैं यहाँ से, प्लीज बात को समझने की कोशिश करो। हानिया चलो चलो। दुआ देखो, रमशा ठीक कह रही है, हम वहां जाके वीडियोस बना लेते हैं, एटलीस्ट वो सेफ तो है जगह। देखो ये बहुत डेंजर है, मैं ये रिस्क नहीं ले सकती। यार डेंजरस काम करने भी तो मजा है, वो करो जो कभी किसी ने ना किया हो। और तुम लोग देखना इस वीडियो पे कितने व्यूज आएंगे और कितनी वायरल जाएगी ये वीडियो। दुआ देखो, रमशा ठीक कह रही है, हम वहां जाके वीडियोस बना लेते हैं, एटलीस्ट वो सेफ तो है जगह। देखो ये बहुत डेंजर है, मैं ये रिस्क नहीं ले सकती। उफो, तुम दोनों कितना सोचती हो, तभी तुम लोग कितने फॉलोअर्स दिए, नहीं तुम लोग की वीडियो पे व्यूज आते हैं। मैं अकेली जा रही हूं। जुआ मेरी बात सुनो। अरे अरे जुआ, ये बहुत डेंजर है, आराम से, ध्यान से। जुआ ना पाओ, ध्यान से। ओके ओके, ध्यान से। 3 2 1 पे टर्न करना तुम्हें, सही है? चलो 3 2 1। रमशा तुम, हानिया वो क्या, मैं तुम्हारे कमरे में सो जाऊं? अकेले मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, प्लीज। हाँ हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे मैंने दुआ को इतना समझाया था, लेकिन उसने मेरी एक भी ना सुनी। खैर जो होना था सो हो गया। तुम्हें पता है, मैं अभी थोड़ी देर पहले इंटरनेट पर ऐसी वीडियोस देख रही थी। कितने ही सोशल मीडिया स्टार्स और टिकटॉकर्स ने डेंजरस वीडियो बनाने के लिए अपने आप को हादसात का शिकार कर दिया। मैं तो भाई ऐसी वीडियो के सख्त खिलाफ हूँ। खैर छोड़ो ये सब बातें, इसके बारे में जितना सोचेंगे ना उतना ही दिमाग खराब होगा। चलो तुम सो जाओ शाबाश। जिंदगी में ये लोग अपने वालदैन के साथ और उनकी पाबंदियों के साथ रहना पसंद नहीं करते। फिर मरने के बाद इनके वालदैन भी उन्हें कबूल नहीं करते।
ऐसी लावारिस लाशों को हम इदारों के हवाले कर देते हैं। हानिया, क्या अगर हम भी ऐसे ही मर गए तो क्या हमारी फैमिलीज हमारी मैयत इसी तरह वसूल करने नहीं आएंगे? रमशा, क्या हो गया तुम्हें? पागल वागल तो नहीं हो गई हो? अच्छी बातें निकालो मुंह से। एक तो इतनी मुश्किल से मैंने वो बात जो है ना भूलने की कोशिश की है, और तुम फिर ये सब बातें करके मुझे याद दिला रही हो। कोई नहीं आएगा और हम इसी तरह मर जाएंगे। तुम देखना, लावारिस लाश समझ कर हमें इसी तरह दफना दिया जाएगा। कोई नहीं आएगा। चुप हो जाओ रमशा, चुप हो जाओ खुदा के लिए। देखो, अब अगर तुमने ऐसी बात मुंह से भी निकाली ना, तो मैं तुम्हें अपने कमरे से बाहर निकाल दूंगी। चुप करके सो जाओ, चलो। मौत हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, पागल। अरे डेड बॉडी इस कंडीशन में नहीं है कि इसे मजीद यहाँ रखा जा सके। वैसे भी ये केस हमारे लिए नया नहीं है। ऐसी लावारिस लाशों को हम इदारों के हवाले कर देते। जिस तरह अफनान वहां दिन रात मेहनत कर रहा है, वो वाकई काबिल तारीफ है। अब्दाल साहब भी यही कह रहे थे। अफशीन, अगर यहाँ कामयाबी मिल गई ना, तो मेरा और अफनान का ये इरादा है कि ये सेटअप हम दूसरे शहरों में भी शुरू करेंगे इंशाल्लाह। अफनान भी आप ही का खून है, आप ही की तरह है। आपने भी तो भाईजान कितने छोटे से ऑफिस से काम शुरू किया था, अब देख लीजिए माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने कितनी बरकत दी है। अरे मैं किस काबिल, ये तो उस मालिक की मेहरबानी है, करम है उसका, अल्लाह ने साथ दिया मेरा। साहब जी, कोई साजिद साहब आए हैं, आपने उन्हें पेमेंट के लिए बुलाया था? अरे हाँ, वो ड्राइंग रूम में बिठाओ, मैं आता हूँ। जी बेहतर। अफशीन, कमरे से मेरी चेकबुक ले आओ, जरा पेमेंट टेक करनी है। जी। रमशा कहाँ हो यार, जल्दी आओ, मुझे देर हो रही है। रमशा, क्या हुआ है तुम्हें? अच्छा नहीं यार हानिया, आज नहीं जा सकूंगी, मुझे नहीं लग रहा कि मैं जा सकती हूँ तुम्हारे साथ। दिखाओ। अरे तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, अब तुम एक काम करो, तुम आज रहने दो, तुम आज घर पर रेस्ट करो। हानिया, तबीयत खराब है, इस वजह से शायद मैं अकेले हॉस्पिटल नहीं जा सकूंगी। तुम प्लीज मुझे ले जाओगे हॉस्पिटल? सॉरी रमशा, तुम्हें तो पता है ना आज मेरी शूट है और मेरा वहां पहुंचना बहुत जरूरी है। मैं एक काम करती हूँ, मैं ना तुम्हें फीवर की एक टैबलेट दे देती हूँ, वो खाकर तुम रेस्ट करो, ठीक है? और मुझे लगता है तुमने ना दुआ के एक्सीडेंट को कुछ ज्यादा ही अपने सर पर चढ़ा लिया है। अब मैं ना तुम्हारी टैबलेट लेकर आती हूँ, ठीक है? एक सेकेंड। रमशा, ये टैबलेट मैं यहाँ रख रही हूँ, इसे खाकर सो जाना आराम से, हाँ सब भूल जाओ। अब अच्छा सुनो, अब मैं जा रही हूँ शूट के लिए, मुझे लेट हो रहा है और मुझे आने में थोड़ा लेट हो जाएगा, ठीक है? अपना ख्याल रखना। हूँ